मक्का तो आप सभी ने खाई होगी, ये ताजी ताजी सी येलो कलर की फ्रेश फ्रेश मक्का। सो ये सब आपने उबाल के भून के तो खाई होगी, लेकिन क्या आप सबने इसके पराठे खाए हैं? सुनने में एकदम नया लग रहा होगा, बट हमारे लिए यानी पहाड़ों में इसके पराठे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिश है उत्तराखंड में पहाड़ों में कच्चे मक्के के पराठे। सो मक्की की रोटी जैसे होती है वो बिल्कुल अलग है, मक्की के आटे की रोटी वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जो पराठे इस कच्चे मक्के के बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बनाने में भी बहुत इजी है। सो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे इन कच्चे मक्कों के जो है पराठे बनाए जाते हैं। सो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मक्के छील कर अच्छे से वॉश कर लिए हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जो बीज हैं ये बीज सारे के सारे निकाल लेने हैं। तो अच्छे से जो है इसको साफ कर कर, ये देखिए इसमें रेशे अभी भी रह गए हैं, अच्छे से इसको साफ कर कर जो है इसके सारे बीजों को हम निकाल लेंगे। ठीक है, मक्का थोड़ा सा ज़्यादा एकदम छोटा कच्चा नहीं होना चाहिए, यानी एकदम कॉर्न कॉर्न बेबी कॉर्न नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा मक्का होना चाहिए। ठीक है, सो ये मक्का आने लगा है आजकल, तो इसको अच्छे से जो है इसके बीज में सारे निकाल लेती हूँ। आप हाथों से निकाल सकते हैं, हाथों से निकालने में टाइम लगता है और यहाँ पर भी मतलब थंब में उंगलियों में बहुत दर्द होता है। सो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से मक्का रख के चाकू के हेल्प से इसके सारे बीजों को जो है अच्छे से जो है इस तरह से काट लेती हूँ, पूरे निकाल लेती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो इस तरह से मैं बनाती हूँ आप सबके लिए ये मक्के के पहाड़ी स्टाइल में पराठे। और इसी के साथ आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी बहू व्लॉग्स में। इंट्रो बाद में, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही थी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सारे बीजों को जो है मैं निकाल लेती हूँ। सो देखिए, मैंने चाकू की हेल्प से, तेज़ लोहे के चाकू की हेल्प से जो है इनको काट लिया है। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने मक्का को काट लिया है और ये यहाँ पर देखिए इसमें बिल्कुल भी रेसिड्यू नहीं बचता है। आपको हाथ से निकालने में से कम 2 घंटे लग जाएंगे, बट इस टेक्निक की हेल्प से, ये बहुत सिंपल तरीका है, तो इसकी हेल्प से ये आप 5-6 मिनट में कर सकते हैं सारा का सारा, तो इसमें टाइम नहीं लगता, ये बहुत टाइम बचाता है और इंस्टेंटली आपको जब भी बनाना हो तो आप इजली बना सकते हैं। नाश्ते में बच्चों को सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म, बिल्कुल हेल्दी नाश्ता। सो मैंने इसको इस तरह से छील के रख लिया है। अब मैं छीलूंगी इसमें लहसुन और हरी मिर्च और इन तीनों को मिक्स करके मिक्सी में इसका बिना पानी डाले ही पेस्ट बना लूँगी। और बैटर कैसा होना चाहिए, जैसे आप जो है डोसा बनाने के लिए बैटर रेडी करते हैं, यानी ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, इस टाइप का बैटर होना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, यानी थोड़ा सा दरदरा जो है इसको रहने देना है। इसमें लहसुन और अगर आप अदरक डालना चाहते हैं अदरक डालें, लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल के इसको पीसिए। और लहसुन अदरक बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके घर में लहसुन नहीं खाते तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए इसको पेस्ट बना लेते हैं। सो, अब हमने ले लिया है कुछ यहाँ पर लहसुन और कुछ हरी मिर्च। आप हरी मिर्च नहीं खाते तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। सो, इनको मैं इसमें डाल दूंगी और मिर्च भी इसमें डाल के अब मैं मिक्सी जार में जो है इसको पेस्ट बना लूंगी। आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, बट यस, मेरे पास इतना बड़ा सिलबट्टा नहीं है, छोटा सा है, तो उसमें पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। सो यस, तो अब मैं इसको जार में जो है पीस के इसका पेस्ट बना लेती हूँ बिना पानी डाले। ठीक है, बाकी के मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। सो, देखिए ये पूरा बैटर मैंने अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसमें चंक्स हैं अभी भी। सो, ये ऊपर मैंने थोड़ा सा जीरा भी इसमें ऐड किया है पीसते टाइम, ताकि मेरे पास जीरा पाउडर पिसा हुआ नहीं था तो मैंने जीरा इसमें ऐड करके पीस लिया है। आपके पास पिसा हुआ पाउडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरह साबुत जीरा डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सो, यहाँ देखिए इतना दरदरा मैंने इसको पीस लिया है ताकि इसकी रोटी अच्छे से बने, ज़्यादा बारीक बना देंगे तो इतना स्वाद नहीं आएगा। सो, अब हम इसमें डालेंगे बाकी बचे हुए मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा हल्दी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, आप पहले इसको टेस्ट कर लें कि हरी मिर्च कितनी तेज़ थी, उसके बाद आप इसमें डालें,
और साथ में हम अपने डालेंगे सॉल्ट। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें बनाने से पहले कि कितना नमक है इसमें, कितना मिर्च है, इसको टेस्ट ज़रूर कर लें। ठीक है, तो सॉल्ट मैंने डाल लिया है। आप इसमें चाट मसाला और जो मसाले हैं वो सारे के सारे ऑप्शनल हैं, आपको जो पसंद आया आप वो डाल सकते हैं। गरम मसाला डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, बट हमें हल्दी बनाना है तो हम गरम मसाला अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, आप नमक की जगह जो है रॉक सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, आप काला नमक डाल सकते हैं, आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ठीक है, सो अब जो है हम इसको अच्छे से कर लेंगे जो है मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको जो है साइड में अभी रख देते हैं, तब तक हम इसकी और तैयारी कर लेते हैं। अच्छे से जो है इसको हम मिक्स करके इसको ढक के थोड़ा साइड में रख सकते हैं, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा समर्स है, तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ठीक है, सो ये मिक्स करके मैं साइड में रख देती हूँ, तब तक मैं कट कर लूँगी प्याज। सो मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया है बारीक बारीक, मतलब आप जितना पतला काट सके आप उतना पतला काटें इसे। साथ में मैंने थोड़ी हरी मिर्च और कट की है, क्योंकि मुझे इतना तेज़ नहीं लग रहा था, क्योंकि ये मिर्ची तेज़ बिल्कुल भी नहीं लग रही है। सो इसलिए मैंने लाल मिर्च भी थोड़ी ऐड की और थोड़ी हरी मिर्च काट ली। आप हरी मिर्च ज़रूर चेक कर लें कि ये तेज़ है या नहीं है, वरना आपका खाना फीका हो जाएगा। सो अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी हमारे बैटर में। तो अच्छे से इसको जो है इसमें प्याज और हरी मिर्च को इसमें मिक्स कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक लोहे का तवा जो है वो गरम कर लिया है, और अब जो है इसमें मैं ऑयल से जो है इसको ग्रीस करूँगी। आप घी या बटर भी डाल सकते हैं, जिस भी चीज़ से आप डालना चाहें, जिस भी चीज़ से आप पराठा बनाना चाहें। सो आप रिफाइंड खाते हैं, वट एवर जो भी आप पसंद करते हैं, उस चीज़ से आप अपने पहले तवे को जो है अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। ठीक है, और तवा देखिए इसमें से धुआं निकलने लगा है, यानी कि तवा गर्म है। तो जब आपका तवा जो है गर्म हो जाए तो हल्की सी फ्लेम को जो है लो फ्लेम पे डालें, और आपका जो बैटर है, बैटर बड़े से स्पून से स्पैचुला से जो है आप लेकर जो है इसमें डालिए। और इसको अब जैसे आप ऑमलेट या बेसन का चीला बनाते हैं, उस तरीके से जो है आप इसको अच्छे से जो है फैलाइए। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पे एक बाउल में पानी रखा है, जिसमें मैं अपने हैंड्स को डिप करके जो है इसको इस तरह से अपनी दोनों उंगलियों अपने हैंड की तरफ से हाथ से इसको पूरा अच्छे से जो है फैलाने में यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली, जहाँ आपको आपके फिंगर टिप्स जो है गर्म लगे, आप दोबारा से पानी में हैंड अपना डिप कर सकते हैं। ये बहुत पुराना तरीका है, हमारे यहाँ ऐसे ही बनाया जाता है इसी तरीके से। ठीक है, ज़्यादा पतला बैटर होगा तो वो बिल्कुल इस तरह से कच्चे मक्की का टेस्ट उसमें नहीं आएगा, इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। सो यस, आप इसमें धनिया डालना चाहते हैं, अगर हरा धनिया पत्ती, पुदीना डालना चाहते हैं, अब इसके बाद आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, वरना ये जो अच्छे से कुक नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने हाथों की शेप से इसको एक राउंड शेप देने की कोशिश की है। अब जो है हम इसको साइड बाय साइड थोड़ा सा इसमें जो है ऑयल ऊपर भी इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा सा साइड में अभी ऑयल डालेंगे। आप इसको नॉनस्टिक में डोसे के जैसे भी बना सकते हैं बहुत कम ऑयल के साथ। मैं लोहे के पैन में बना रही हूँ ताकि ये कुरकुरा बने। ठीक है, और फ्लेम को बिल्कुल जो है लो मीडियम पे रखें, यानी मीडियम से थोड़ा कम और ना ही पूरे लो पे इस पे रखें, और इसको जो है अच्छे से सिकने दें। उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं। तो जब ये अच्छे से पकने लगेगा आपको ऊपर की तरफ जो है ये जो ये पोर्शन है ड्राई होता हुआ दिखेगा। सो यस, पहले मैं इसको होने देती हूँ, उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। सो ये तैयार है आपके कच्चे मक्के का पराठा, और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा घर पे बना हुआ मक्खन, और इसके बाद ओके मक्खन ज़्यादा ही हो गया है। सो इसके बाद हम इसे गर्मा गर्म चाय के साथ, छाछ के साथ, लस्सी के साथ अब इसको एंजॉय कीजिए, घर पे बना हुआ मक्के का पराठा। देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से कुक है, कितना सॉफ्टली जो है टूट रहा है। सो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।